हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष, का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। भाई सुबह सुबह एकदम बोलने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मेरे घर से सुबह, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, मेरे को अराउंड दिखा था 2 घंटे के आसपास। तो मैंने भैया से बोला, भैया प्लीज़ छोड़ दो, तो कॉलेज के बाहर ही हैं। पर लास्ट टाइम जैसे राहुल ने हमारा पोपट बनाया था, आज भी वही सीन है। उसने आज भी बोल दिया 15 मिनट लेट आएगा। 15 मिनट तो बोल रहा है, वो आएगा बहुत ही लेट। पहले तो टाइम बता, तू कितने बजे आया? मैं 5 बजे भाई, क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आया है। और मेरे को 110% बताया कि इसको नहीं पता होगा कि क्लास कहाँ पे हमारी। सीन क्या हो गया तेरे को? मैं बस स्टेशन पर अटक गया था मेरा भाई। तू ये बता क्लास कहाँ है? उधर है, इसे नहीं पता। अभी तो नहीं पता, पर पता है भीड़ बहुत ज़्यादा है तो बदतमीजी नहीं करते। A few moments later. भाई देखो, ऊपर नीचे बन रही है वीडियो, मुझे पता है, पर एकदम से क्लास शुरू हो गई थी, हम पहले लेट थे, 8 बजे पहुँचना था। पर कितने बजे पहुँचे पता है? हमारी गलती भी नहीं है भाई, मैम ही लेट आई थी। अबे साले, तभी 8:30 तो मैम को कंप्यूटर ही चलाना था, मैम को यही नहीं पता कि ये मैम पीछे पड़ गया, मैडम ऐसे ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई, अभी ब्रेक मिला है, उन्होंने 10 मिनट बोले हैं, पर 15 मिनट की काम नहीं 10 मिनट की का ब्रेक है, फिर वापस चलेंगे। पहले थोड़ी गेड़ी मार लें भाई, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, मज़ा आ रहा है, फुल भीड़ है। तो दिखाता हूँ, ये भाई हमारा एरिया, अभी हम इसमें आके बैठेंगे, फिर मिलते हैं। बाकी आज तो बहुत लोग हैं, पढ़ाई का पूरा कैंपस इतना बड़ा है हमारा, जिसको कुछ देखना हो, डिपार्टमेंट कौन सा कहाँ है वो यहाँ से देख लो, पॉज करके देख लेना भाई। ये लेवल 2 का है पूरा मैप भाई। अभी हम क्लास में से गए, पास में क्लास के देख के आए, मतलब क्लास में जो ब्रेक था ना, तो और भी लड़के नहीं आए, तो हमने काम क्यों जाके बैठे, क्यों राहुल भाई? तो अभी मतलब उन्होंने खुद बोला कि हाँ बाहर चले जाओ आराम से, अब बाकी लोग भी नहीं आए तो हम क्यों जाए? हम पहले आ गए थे, हम शरीफ हैं भाई, कोई और आया नहीं तो फालतू में क्यों जाना है? पढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर अभी घूमते फिरते हैं। तो बेसिकली आज का सीन ऐसा है कि अभी हमारी एक क्लास खत्म हो जाएगी, फिर 2 घंटे हमारे पास बिल्कुल खाली होंगे घूमने के लिए, और उसके 1.5 घंटा, उसके बाद एक और क्लास है, वो 2 घंटे के 3 घंटे के, वो भी 2 घंटे के, तो 3:15 तक चलेगी, जितना मतलब आधा घंटा तो वैसे ही वेस्ट करते हैं। हाँ, तो 3:15 तक क्लास है, अभी चलते हैं फटाफट क्लास में, दोबारा झाँक के देखते हैं कोई आया तो अंदर बैठ जाएंगे, वरना सीधे निकल जाएंगे। अबे राहुल, चलना क्लास में, देख तो ले कोई आया है? नहीं आया कोई? भाई सच में हमारी क्लास है, देखो 2:34 अंदर मैडम भी होगी, दिखाऊँ क्या पिटवाएगा क्या? अच्छा अच्छा, भाई ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं सबके आगे, इनके आगे, जैसे ये लैपटॉप नहीं लेके आया तो इसके लिए मैं तो लेके आया हूँ, पर जो नहीं लाए वो इसमें लॉगिन करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी उधर स्क्रीन वगैरह है बड़ी सी, वो तेरी मैम है, अब ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा वरना मैडम बाहर निकाल देगी। पहली क्लास का रिव्यू कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया भाई, मस्त टीचर भी मजा आ गया। अब ये तो बता दे लोगों को, तूने क्या किया है इसमें? कुछ भी नहीं कर रहा यार भाई, कॉलेज में फ्री खाना मिलता है ना, इसने वो उसके लिए अप्लाई किया था, जो फ्री खाना होता है ना, अब वो फ्री खाना लेने जा रहे हैं। तो लेना मतलब 8,500 बंदा फीस भरता है, उसमें एक बार की ग्रोसरी भाई बता तेरे को, भाई इसने फ्री खाना के लिए अप्लाई कर दिया कॉलेज में कि फ्री खाना तो खा लेंगे, तो सही है। अभी या हमें मिल नहीं रहा था कि वो है कहाँ पे, अब कॉलेज से बाहर आए हैं, फ्रंट एंट्रेंस पे है वो, तो वापस वहीं जा रहे हैं, फिर खाना उठाते हैं। पहली क्लास हो गई है, मतलब नॉर्मल सी ही थी, पर हाँ मैडम बहुत अच्छी थी, जिसने पढ़ाया पढ़ाया, हमने ज़्यादा मजाक वजाक भी नहीं किया। क्लास के बीच में उन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा सबका, तो प्रोनाउंस तो गलत ही करते हैं यहाँ के लोग, और पूछ कहता हाय मैम, मैम कह रही व्हाट्स योर नेम, कहता हाय मैम। अरे नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने पीयूष करके अजीब सा बोला, ठीक है। और उस समय मैं देख रहा था ब्लैक बोर्ड में, मेरे को मैम से क्वेश्चन पूछना था, तो मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था, तो मैम ने कहा दिस इज़ हाउ इट प्रोनाउंस, मैं कहा सॉरी, तो उन्होंने कहा दिस, तो उन्होंने कुछ ऐसे बोला, मेरे को हाय सुनाई दिया, मैं कहा हाय, तो उन्होंने उन्होंने मैं कहा हाय मैम, तो उन्होंने दोबारा बोला कि दिस इज़ हाउ योर नेम इज़ प्रोनाउंस, मैं कहा ओ नो 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 इट्स पीयूष। तो भाई तब तक रेलगाड़ी छूट चुकी, तब तक मेरे साइड वाला एक कुनाल लड़का बैठा हुआ था, वो मित्र देख के
भाई नशे मत किया कर भाई, सुबह सुबह क्लास में नशे करके आया हुआ है। तो बाकी सब तो बढ़िया रहा, फिर मैम भी हंसी मजाक में उतर आई थी तो सब बढ़िया। अभी जाते हैं फ्री खाना उठाते हैं, देखने की देते क्या है ये फेडरेशन वाले। जो तेरे को प्रॉब्लम है इसमें बोल। क्या चीज़? अपनी प्रॉब्लम है भाई, टिम हॉर्टन्स का साइन बनवा दो बड़ा बड़ा सा मैप पे, क्योंकि भाई बच्चे हो जाते हैं गरीब फीस भरने के बाद, तो उन्हें चाहिए होता थोड़ा इकोनॉमिकल भी। अरे भाई हम अपनी क्लास में हम कह रहे थे ना कि लड़के लेट हैं, भाई हम तो पहुंच गए 15 मिनट बाद ही। वो आए 45 भाई, वो बिल्कुल 45 मिनट बाद स्टारबक्स ले लेके। मैं कहा ये है जिंदगी मिल गया टिम तो नहीं नहीं खुला था उस दिन। अच्छा अच्छा हाँ उस दिन बंद था भाई। जो हम अब आप सोच रहे हो उस दिन किसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ना कैंपस टूर दे रखा है तो वाली वीडियो जाके देख लो। तो भाई वो आए स्टारबक्स ले लेके मस्त एकदम, हम बैठ गए भाई आज बेइज्जती ना करते उस दिन तो भगा दिया। अब भाई इन्होंने थोड़ी अब भाई बहुत लंबी लाइन है, तो भाई बहुत लंबी लाइन है भाई। मैं नहीं ये लाइन है भाई टिम हॉर्टन्स के बाहर। भाई आज का ब्रेकफास्ट मिल चुका है हमें राहुल भाई ने। भाई यहाँ पे देखो जो उस दिन सब कुछ खाली था सब कुछ भरा हुआ है, मतलब आज क्लास से शुरू हो गई ना तो आज ऐसा लग रहा है कोविड खत्म हो गया। कोविड नहीं मतलब हाँ बहुत बच्चे हैं, और मास्क वगैरह तो अपना अलाउड ही नहीं था उसी दिन पता था हमें, तो सही चल रहा है हिसाब किताब। लोग भी अच्छे अच्छे हैं कॉलेज में। कितने हुए? 10 उसको भाई। बैडमिंटन का मैच लग चुका है, यहाँ खेलेंगे अपने कोर्ट पे चलते हैं मस्त एकदम। क्या जी भाई टेबल टेनिस खेलोगे क्या? वो बाद में उठा लेंगे, पहले ये खेलते हैं ना। तभी तो नहीं बताया गाली वाली देना शुरू मैं गाली देना शुरू हो जाएंगे। तो भाई वहाँ पे बास्केटबॉल का है वो रहा ये टेबल ये बैडमिंटन और वो टेबल टेनिस, वो हमें खेलना आता नहीं है, इसमें हम हरा देंगे किसी को भी। रुके भाई के साथ खेलते हैं। राहुल भाई उधर जाओ, कोर्ट चेंज हो गया, आप हार गए भाई। ये लो भाई सर्व करना भाई, हार गया भाई तू, चल अबे उधर जा, उधर जा। नाइस गेम, हम जीत चुके हैं। क्या राहुल दूसरा भी हार गया क्या? सुनना अबे सुनना, दूसरा हार गया भाई, दूसरा मैच भी आ रही है भाई। भाई उस वाले भाई को बहुत कड़ा खेलना आता है भाई। आप एक मिनट, हेलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, अब बेचारे तू तो बेकार खेलता है भाई। ये जो हमारा कोर्ट है बैडमिंटन कोर्ट, मतलब यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, टेबल टेनिस भी खेल सकते हो। पहले और भी बड़ा सा बंद कर भाई, बहुत अच्छा, बहुत क्राउड, मतलब क्राउडेड भी नहीं, अच्छा खासे लोग मस्त खेल रहे हैं एकदम, वेंटिलेशन और मजा आता है। दो मैच रहा है, दो मैच ऐसे और एक मैच एक ही कौन से रहा है वो तो एक गगनदीप नाम का लड़का गया, उसने इसको जितवा दिया, वरना तो इसके बस की। मेरी टीम में इतना बेकार था ना, ड्रॉप शॉट मारे उसको मारना ही नहीं। अबे नहीं वो अच्छा खेल रहा था भाई, मैं वो सच में अच्छा खेल रहा था, पर स्मैश अच्छी थी, स्मैश पर मैं उससे तगड़ा प्लेयर तो ये जीत नहीं पाया। तू कुछ भी नहीं है भाई, सुन दो मैच जीता हूं मैं। हां तो वो तेरे दोस्त की वजह से, दोस्त वो क्या कर रहा था तेरे को पता है? वो कुछ तेरी हेल्प कर रहा था, वो अच्छा खेल रहा था, वो भाई बहुत तगड़ा खेल रहा था। और इतनी भाई चीटिंग करता भाई पीयूष भाई, दिल्ली गया था भाई, इतनी चीटिंग करता भाई, चीटिंग भी ना करूं। It was a great place that sold this pizza that was like it was all kinds of nonsense. And they couldn't understand that the reason why it was so popular was because भाई क्या बोल, अच्छा हां इतने नहीं लेंगे, लड़ाई बच गई गाइस, लड़ाई बच गई, 70-69% लगेंगे इसकी लड़ाई चलने, दूसरे दोस्त को नहीं दिखा सकता। $11 तो भाई कॉलेज से निकलने के बाद कुछ शूट नहीं किया, राहुल और एक नया लड़का मिला था कुणाल नाम का, बात करने में सब बढ़िया, तो हमारे सेम कोर्स का था तो मिल गया, तो उससे बात कर रहे थे। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, पूरे रास्ते में बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि 52 जो है बस नंबर मेरी जो कॉलेज चलती है, एक तो वो पूरी भर के चलती है, और उसके बाद उसमें भी एक सीन क्या होता है कि एक तो वहाँ से सारे स्टूडेंट ही चढ़ते हैं और वो सारे एक ही स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से दोबारा से वो इधर उधर के लिए बढ़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस चक्कर में मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं करी, थोड़ी हल्की राहुल मजाक कर रहा था तो उसकी बनाई है। बाकी कॉलेज के आपने देख लिया, सब मस्त है, एक नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टीचर्स भी दोनों बहुत अच्छे थे, शायद पहले वाले टीचर मैंने नहीं दिखा पाया क्योंकि वो
पढ़ा 33 पढ़ा रहे थे, दूसरे वाले सर बहुत चलते हैं उनके सामने, एंड में 20 मिनट खड़े होकर लिटरली सिर्फ बात करी है, और वो बहुत मतलब बहुत एंटरटेनिंग थे कि हाँ बात बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सब बढ़िया। बाकी अभी घर पहुँच चुके हैं, जो भी सीन रहा आज का आपने देख ही लिया। और कैंपस भाई एक नंबर है हमारा, अगर जिसको डिटेल वीडियो चाहिए कैंपस के ऊपर वो मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकता है, इधर या इधर लिंक आ जाएगा कि हमने क्या, मैंने पूरा लिंक पूरा वीडियो बना रखा है कैंपस टूर के ऊपर, तो वो आपको देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी सीन ऐसा है कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। ये मेरी लाइफ में एक रैंडम डेट था कि कॉलेज कैसा होता है, कॉलेज लाइफ कैसी है। अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं, अभी कॉलेज से वापस आया हूँ, आज शिफ्ट नहीं है। किसी दिन एक और ब्लॉग बनाऊंगा इसी के ऊपर कि मैं कॉलेज के बाद डायरेक्टली अपनी शिफ्ट पे जा रहा हूँ, तो शायद वो भी आपको देख के मज़ा आएगा, तो एक ब्लॉग उसके ऊपर ही बनेगा। तब तक के लिए यही ब्लॉग है, आज ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया हो या हमारी कोई बात अच्छी लग गई हो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए पीस आउट। So please sarakabar 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 whatever.